देखो मान लो हमने जीपी ले ली, ए ए आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, और ये मान लो एल है, इसका पिछला टर्म एल बाई आर स्क्वायर है ना। ये देखो मैंने जीपी मान ली है ना, लास्ट टर्म को एल मान लिया तो सेकेंड लास्ट टर्म एल बाई आर होगा, फिर एल बाई आर स्क्वायर होगा। इसमें हम क्या करें, स्टार्टिंग से पहला टर्म इंटू एंड से पहला टर्म, तो ए इंटू एल, फिर सेकेंड और एंड से सेकेंड ए आर इंटू एल बाई आर। देखो ये भी ए एल, स्टार्टिंग से थर्ड टर्म एंड से थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर एल बाई आर स्क्वायर, तो ए इंटू एल। मतलब स्टार्टिंग और एंड से अगर आप इक्वल डिस्टेंस पर टर्म्स लोगे, उनको मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो वो भी एक जी, वो भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा है ना। देखो ये स्टार्टिंग और एंड से अगर हम इक्वल डिस्टेंस पर टर्म्स ले लें और उनको भी मल्टीप्लाई कर दें, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा सेम आंसर आएगा। मतलब स्टार्टिंग से और एंड से इक्वल डिस्टेंस पर टर्म्स रहते हैं, उनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा सेम रहता है ना, ये बात ध्यान दो, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो, जैसे मान लीजिए अगर मैंने पहला टर्म ले लिया, ठीक, चौथा टर्म ले लिया, सातवां ले लिया, दसवां टर्म, देखो पहला टर्म क्या है ए, ये हो जाएगा ए आर क्यू, ये हो जाएगा ए आर सिक्स, ये हो जाएगा ए आर नाइन। देखो ये फिर से एक जीपी बना रहे हैं है ना, मतलब अगर हम टर्म्स को रेगुलर इंटरवल पर लें तो वो भी हमेशा एक जीपी बनाएंगे। देखो इसका इसको अगर हम कॉमन रेशियो निकालें तो आर क्यूब आएगा, इसका इसका कॉमन रेशियो निकालें तो फिर से आर क्यूब आएगा है ना, तो इन सबके देखो कॉमन रेशियो सेम आ रहे हैं। मतलब अगर हम रेगुलर इंटरवल्स पे टर्म्स को सेलेक्ट करेंगे तो वो टर्म्स हमेशा फिर से एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को बना देंगे है ना। तो जैसी प्रॉपर्टी एपी में है एग्जैक्टली वैसी ही प्रॉपर्टी देखो यहाँ पर जीपी में भी है ना, इस बात को ध्यान रखो। लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको।